नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अक्सर हम आप ऐसी जगह तलाशते हैं कि अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए जो या बहुत मशहूर जगह हो या फिर वो जगह कोई खास हो, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसी जगह जाने का अगर आपने सोचा है तो बेहद खूबसूरत होनी चाहिए। ऐसी बेहद खूबसूरत जगह भारत में है लेकिन उसके बारे में शायद कोई जानता हो। अगर नहीं जानता है तो इस वैकेशन में शेयर कीजिए। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के बेहद खूबसूरत और नायाब स्थलों की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और हालांकि अभी धारा 370 वहां से हटी है तो जाहिर सी बात है कि वहां सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन यह जगह अपने आप में बेमिसाल है। जी हां दोस्तों, बड़े बड़े और छोटे छोटे बच्चे भी जम्मू कश्मीर की इन हसीन वादियों के बारे में बेहद जानते हैं और इनकी दिली ख्वाहिश होती है कि कुदरत के इस नायाब और खूबसूरत नज़ारों को देखा जाए, क्योंकि आपके बच्चे हमेशा स्कूल में यही सब बातें पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर बेहद खूबसूरत जगह है। आपको बता दें कि हर साल यहां पर हज़ारों की तादाद में पर्यटक आते हैं जो जम्मू कश्मीर की मशहूर वादियों की सैर करने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब की बार आप अपने बच्चों को लेकर के छुट्टियों में वहाँ ज़रूर जाना, क्योंकि जम्मू कश्मीर की 10 ऐसी जगह हैं और नायाब बेमिसाल खूबसूरती के बारे में जहां इस बार छुट्टियों का मज़ा अगर आप लेने जाएंगे तो दुगना हो जाएगा। पहलगाम और जम्मू कश्मीर राज्य अनंतनाग जिले के स्थित पहलगाम एक बेहद आदर्श स्थल है जो प्राचीन मुगल काल मध्ययुग काल की ओर ले जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्थानीय लोगों की संस्कृति, सभ्यता, कपड़े, भोजन आदि काफ़ी प्रभावित होंगे। यहाँ का कोना कोना प्राकृतिक सुंदरता का जीता जागता उदाहरण है। इसके बाद आता है डोडा, जम्मू कश्मीर का एक बेहद आकर्षक जिला जो प्राकृतिक प्रेमियों का आदर्श स्थल है। यहाँ की बेमिसाल स्थलों में भद्रवाह, चिंता घाटी, सियोज घास का मैदान और भालपादरी आदि, जो इसे अपने आप में खास बनाते हैं। ये जगह तीर्थ यात्रियों के लिए बेहद उम्दा जगह है। अगर आप यहाँ के मंदिर देखेंगे तो बेहद लाजवाब आपको दिखाई देंगे, खूबसूरत और नकाशी से भरे हुए। अब बात करते हैं कठुआ की। कठुआ जम्मू के करीबन 88 किलोमीटर दूर पर बसा है। जम्मू कश्मीर का एक बेहद खूबसूरत ज़िला है। ये ज़िला जम्मू कश्मीर राज्य के ज़िलों में सबसे खूबसूरत और आकर्षक ज़िला माना जाता है। यहाँ पर आप कई हरी भरी घाटियाँ देखेंगे, मखमली घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे पेड़, प्राकृतिक नज़ारे, घने जंगल, कल कल करते झरने आदि, जो आप देख करके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं राजौरी की। राजौरी जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का एक हिस्सा है जो अपने आकर्षक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है और ये आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। राजौरी में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, आलीशान मस्जिदें और अन्य पर्यटक स्थल हैं। राजौरी को सुंदर झरनों का अड्डा भी कहा जाता है। यहाँ लाल बावली एक झरना है जिसमें मछलियों की अटकेलियाँ आप स्वयं देख सकते हैं। अब आते हैं पटनी टॉप पर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित ये पटनी टॉप बेहद आकर्षक दिन और ख़ास रिजॉर्ट है। पटनी टॉप को वास्तव में पाटन द तालाब के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजकुमारी का तालाब। कहा जाता है यहाँ राजकुमारी इसी तालाब में प्रतिदिन स्नान करती थी। हरी हरी घुमावदार पहाड़ियाँ, लुभावने दृश्य, घने जंगल और शांत वातावरण पटनी टॉप की पहचान मानी जाती है। अब बात करते हैं हेमिस ले की। हेमिस ले से दक्षिण पूर्व की ओर 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित हेमिस जम्मू कश्मीर का बेहद आकर्षण स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन आते हैं जो प्रकृति की गोद में प्रकृति से भरपूर जीता जागता उदाहरण आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हेमिस मठ और गोपदा मठ हेमिस के मुख्य आकर्षणों में से एक हैं। यहाँ के मुख्य आकर्षण बुद्ध की विशाल प्रतिमा भी है जो तांबे से बनी हुई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पुलवामा की। कश्मीर के धान का कटोरा कहा जाने वाला पुलवामा जम्मू कश्मीर राज्य का बेहद खूबसूरत जिला है। इस ज़िले में 323 गांव हैं जो यहां की 5 तहसीलों के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इन छुट्टियों में यहां पर आना चाहते हैं तो यहां की ऐतिहासिक रोड मुगल रोड अवश्य जाना चाहिए,
क्योंकि इस रोड पर आप हर बाल झरना, शिकारगाह है, हरिपाल नाग, हुरपुरा और तरताल यानी तरसार और मरसार झील आदि देख सकेंगे, जो पर्यटकों के लिए एक पर्यटन स्थल है और बड़ा ही दार्शनिक और सुंदर है। दोस्तों, बात करते हैं अनंतनाग कश्मीर की व्यापारिक राजधानी की। अनंतनाग कश्मीर की व्यापारिक राजधानी कही जाने वाला अनंतनाग कश्मीर घाटी की दक्षिण पश्चिम की ओर बसा है। यह शहर हिंदू, मुस्लिम और भी कई धर्मों का संगम है, जो अगर आप यहां जाएंगे और देखेंगे तो ये बखूबी दर्शाता है। यहां हिंदू के विशाल ऐतिहासिक मंदिर हैं, तो वहीं मुस्लिम की आलीशान मस्जिदें भी। यह तीर्थ स्थल के रूप में पर्यटकों के लिए एक केंद्र बना है, पर्यटकों को ये जगह खूब लुभाती है। आइए देखते हैं कुछ खास झलकियाँ।